हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटे से स्टॉक पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो वीडियो होने वाला है ये नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, मतलब कि नॉलेज से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, या मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये स्टॉक को दोस्तों मैं 24 रुपीज़ से ही मैं आपको जो है बार बार सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है गिरने वाला नहीं है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो दम भर खरीदो। आज के डेट में भी मैं दोस्तों वही बोलूँगा कि अगर आपने नहीं खरीदा तो ऐसे स्टॉक को अपने हाथ से मत जाने दो, प्लीज़। ये स्टॉक देखो समझ में नहीं आ रहा, रेलवे का है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है और स्टॉक का प्राइस भी अपने मतलब कि अपने हिसाब से चल रहा है, क्योंकि देखो रेलवे में जितने भी हैं छोटे छोटे हैं, तो ये भी एक छोटा सा प्राइस है। तो ऐसे प्राइस पे हमें फोकस करना चाहिए दोस्तों, और ऐसे चीज़ों को हमें खरीद के रखना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। पॉइंट नंबर वन, क्यों ऐसा हो सकता है कि RVNL में प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है? ठीक है, अभी देख सकते हैं 27 है, क्यों ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, अभी बजट आ रहा है और बजट में गवर्नमेंट क्या चाहेगी? बजट में गवर्नमेंट यही चाहेगी कि हम चाहे जो भी करें पॉजिटिवली न्यूज़ जो है अनाउंस करें, किसके लिए? हमारे इंडिया के लिए। तो इंडिया में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? रेलवे में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, पहली बात रेलवे, ठीक है। रेलवे के बाद सेकेंड क्या होगा दोस्तों? इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर रेलवे में कुछ भी होता है तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड, ये छोटा सा स्टॉक है, इसमें आपको अच्छी सी तेज़ी देखी जाएगी। और एक अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 3 पॉइंट, मान लीजिए 3% ही मान लीजिए, 3% मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा डिविडेंड दिया जा रहा है। 25 रुपये के शेयर में 3-4% का डिविडेंड, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है दोस्तों अगर बजट में कुछ भी ऐसा होता है तो ये स्टॉक में अच्छा खासा जो है आपको रैली देखा जाएगा। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक जो है अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो हाई पे 27 जो इसका बनाया था, हाई ही बनाया था। यहाँ हम चेक कर लेते हैं 1 ईयर का ग्राफ में, ये बता देगा मुझे। हाँ देख लो दोस्तों, सबसे पहले ये 27 से 29 तक गया था, अभी 27 में है। और रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 42% रिटर्न, एक छोटा सा स्टॉक हमें 40% का रिटर्न दे सकता है, और बड़े बड़े बैंक हैं जो हमें अच्छे रिटर्न नहीं देते। तो हमें ऐसे स्टॉक के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट कभी अपने आप को कुछ नहीं करने देगी, कभी अपने आप को हार्म नहीं होने देगी, पहली बात। और दूसरी बात, जितने भी इंडस्ट्री है उनको कुछ भी होता है, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहती है कि मुझे तो उनसे अपना टैक्स वसूलना है, चाहे जो भी होना है, लेकिन गवर्नमेंट अपने बारे में जरूर सोचेगी, क्योंकि अगर दुनिया में गवर्नमेंट ही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं चलेगा। और देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड का वीडियो मैंने बहुत पहले से बनाया है, यहाँ पर देख लीजिए 125 डेज अगो अगर पहले खरीदते हो तो आपको 40% जो दिखा रहा है वहाँ पर 40 नहीं मिलता, लेकिन इतना तो बोल सकता था कि आपको जो है 20% के आसपास मिल जाता, 15 या 19% के आसपास, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो दोस्तों, मैंने सीधा लिखा था रेल विकास निगम लिमिटेड प्राइस मात्र 24 रुपये का स्टॉक है, यहाँ पर देख लो 24 रुपीज़ का, यहाँ पर फिर देख लो एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ में मिल रहा है दोस्तों। इसको जो है फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर बना के दिखाएगा, अभी 24 रुपीज़ का स्टॉक अभी 27.10 हो गया। सोचिए कि अगर 24 रुपीज़ में 1 रुपीज़ तेजी आता है तो कितना अच्छा परसेंट में जो है आपको उछाल देखा जाएगा। तो ये पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद एक और जो है मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, इसमें भी मैंने साफ साफ बोला था रेल विकास निगम लिमिटेड ओनली 24 रुपीज़ में मिल रहा है, अभी भी टाइम है दबोच लो। 24 रुपीज़ के टाइम पर भी मैंने बोला था अभी भी टाइम है दबोच लो। उसके बाद देखिए वो 120 के आसपास था, ये देखिए 108 डेज, मतलब 100 दिन के आसपास मैंने बनाया था। तो देखो अभी जो भी है दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, बस आपको देखना है। देखना कैसे है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, लाइक मत ही कीजिए लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए खुद के लिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप ख़रीदना चाहते हो आप भी सोच विचार कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है ये स्टॉक, अगर आपको ख़रीदना है तो अपना ध्यान ज़रूर लगाइएगा। 27 रुपीज़ का भी स्टॉक है, अगर आप 10,000 रुपया भी लगा के रखेंगे साइड में तो दिक्कत की कोई बात नहीं होने वाली है, आपको प्रॉफिट हो चाहे ना, और डिविडेंड तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा, और ऊपर से आपको अच्छा परफॉर्म भी कर देगा स्टॉक, ठीक है। तो सोचिएगा समझिएगा, उसके बाद भी कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।